गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, घर पर सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो हमारा पीरियड जो है क्लास नाइन्थ के लिए है, एसएसटी का जो हमारे पीरियड है चैप्टर सेकेंड, इसमें हम जो पढ़ेंगे आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था कि हिमालयस को कितने तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लॉन्गिट्यूड्स का अकॉर्डिंग, ईस्ट टू वेस्ट का, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट का अकॉर्डिंग, दैट इज है ना पूर्वांचल देखा था हमने, वेस्ट साइड में जो है ईस्ट, सॉरी ईस्ट साइड में पूर्वांचल के बारे में इसमें पढ़ा था। तो पूरा हिमालय हमने कवर किया था, इसके बाद हम कवर करेंगे नॉर्थन प्लेन एरियाज। चलिए, नॉर्थन प्लेन एरियाज में सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थन प्लेन एरियाज का निर्माण किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से नॉर्थन प्लेन एरियाज बने थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, रिकॉल द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थन प्लेन। अब नॉर्थन प्लेन्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विजिबल फीचर्स ऑफ इंडिया के हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर अंतर्गत, तो हमने देखा था कि आपकी कन्वर्जन प्लेट्स, डाइवर्जन प्लेट्स, ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट्स, इन प्लेट्स के बारे में पढ़ा था किस तरीके से जो है फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है, किस तरीके से ये प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती है, किस तरीके से अपोजिट साइड में जाती है, किस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उससे ही जो हमारा जो है इट मीन्स फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया कि नॉर्थन प्लेन्स का एरिया किस तरीके से बना, इसका फॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, फिजिकल फीचर फॉर्मेशन में क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय का जब हमारा निर्माण हुआ, हिमालय में जो हमारा है का जो एक तरह से प्लेट्स के कंपेरिजन से जो हमारा निर्माण हुआ है इनमें, तो क्या होता है कि जैसे ही हिमालय में निर्माण हुआ, तो आपको पता होगा यहाँ पर जो है स्नोबर्ड केबल होती है, जिससे आपको पता है हाईएस्ट एल्टीट्यूड को लेकर जब एक बार बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें, इट मीन्स इसका फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, और जैसे ही नीचे आती है, नीचे आने के बाद जो है इस एरिया में पहुँचती है, तो इस एरिया में पहुँचने के बाद यहाँ सेंटीमेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये आपके सेंटीमेंट्स जो होते हैं धीरे 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 आपका जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये प्लेन होना शुरू होने लगता है, यानी यहाँ पर ये सेंटीमेंट एलिमेंट्स जो है इकट्ठी होने शुरू होने लगती है, और जिससे कि जो है हमारा ये प्लेन एरिया का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है रिवर क्रिएटिंग रिजर्वॉयर लेक्स फॉर्मेशन। देखो, रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्लेन एरिया को क्रिएट करने में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन एरिया होता है, हमारा जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया में क्या है, इसमें सबसे वो चीज़ है कि हमारे इस प्लेन एरिया में एलिमेंट सॉइल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अभी एलिमेंट सॉइल्स आती कैसे, यानी मैंने अभी आपको बताया कि इस प्लेन एरिया के फॉर्मेशन में रिवर का बहुत ही मेजर रोल है। अभी बताया ना कि जैसे ही आपका यहाँ पर स्नो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे जो है पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, रिवर नीचे उतरने के बाद, और जैसे ही ये नीचे के एरिया में आती है, तो नीचे के एरिया में रिवर इसका जो फ्लो होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और सेंटीमेंट यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही सेंटीमेंट इकट्ठे होने शुरू होते हैं, फिर दोबारा से यही प्रोसेस होता है, करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलते चलते हमारा जो एरिया है मेन एरिया का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है रिवर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो रिवर्स है, रिवर्स प्लेन एरियाज को बनाने में का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूट्स आर रिस्पांसिबल फॉर्मेशन नॉर्थन प्लेन एरिया। नॉर्थन प्लेन एरिया में बनाने में आपका इंडस रिवर्स, उसके साथ दैट इज गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर को इस प्लेन एरिया को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये तीनों रिवर्स, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दैट इज इंडस, और ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर लेक से निकलती है, जो कि तिब्बत के अंदर है, मानसरोवर लेक, ठीक। तो वहाँ से ये रिवर्स आपका फ्लो होती है, और फ्लो होने के बाद जो है ये रिवर्स, गंगा बहुत लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ब्रह्मपुत्र वाइडेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है ना। और इंडस जो है, इंडस जैसे कि आपको नाम से पता होगा, इंडस, इंडस रिवर सबसे पुरानी रिवर है, जो कि हमारा क्या है, जहाँ से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, हमारी सभ्यता स्टार्ट होती है। अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सिंधु नदी के किनारे से हमारी सभ्यता स्टार्ट होती है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन होना शुरू हुआ था, वहाँ पर लोगों ने खेती करना शुरू किया था, वहाँ पर लोगों ने अपने आप को एक तरह से सिविल बनाना शुरू किया था, एक दूसरे के साथ मतलब एक कम्युनिटी के रूप में जो है रहना उन्होंने शुरू किया था, वहाँ पर आपका इंडस रिवर के किनारे। तो यानी ये तीनों रिवर जो है एक तरह से इनकी ट्रिब्यूटरीज जो इनकी इनमें शाखा है, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत जो इनकी सहायक नदियाँ, उनकी सहायक नदियों में कहीं ना कहीं जो है इस प्लेन फॉर्मेशन को बनाने में, प्लेन एरिया को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनकी वजह से आज प्लेन एरिया जो है क्रिएट हुआ है। कैसे? डिपोजिटेशन ऑफ एनिमल द फुटिंग ऑफ द हिमालयस ब्रॉड बाय देम, ब्रॉड बाय देम। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर्स क्या होते हैं, रिवर्स यहाँ पर फ्लो होती है, रिवर्स क्या होती है,
इमोशन होती है यहाँ से फ्लो होती है, और जैसे ही फ्लो होती है तो अपने साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स बहाकर लेके आती है। सेंटिमेंट्स यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब अपने साथ बहाकर लेके आती है। और जैसे ही ये फुटहिल पर आती है जहाँ से मालिश शुरू होता है, ये वाला जो फुटहिल है यानी यहाँ से वहाँ जाकर शुरू होता है, यहाँ से आने के बाद ये रिवर्स का जो फ्लो होता है वो होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड आती है। आपने देखा ना, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से आप देखिए हिमालय फ्लो होता हुआ जिस तरीके से यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है, प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फ्लो होता है वाटर बहुत ही तेजी से, और यहाँ आने के बाद धीरे 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 प्लेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन इसमें है कि यहाँ पर आने के बाद ये फुट हिल आने के बाद इनका जो है जो फ्लो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और जितने भी एलिमेंट सॉइल्स होती है या सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्थन प्लेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर। आप देखिए इसमें बताया गया कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन एरिया है वो हमारा 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा ये फैला हुआ है। सेकेंड चीज में बताई गई है, मैं एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ, आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा आपको नॉर्थन प्लेन्स के बारे में बताया था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ए नॉर्थन प्लेन एरिया लिखा हुआ है इस पर, यहाँ पर नॉर्थन प्लेन एरिया। ठीक, तो ये नॉर्थन प्लेन एरिया किसकी वजह से बना था कि यहाँ हिमालय आपको दिखाई दे रहे हैं फुटहिल से, तो यहाँ पर जो है सेडिमेंट्स आकर रुकते हैं, इस कारण से जो है ये वाला पूरा एरिया जो है आपका नॉर्थन प्लेन एरिया के रूप में जाना जाता है। दैट इज 24 किलोमीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो है कितना है, 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके साथ साथ जो इसकी विड्थ है, विड्थ का मतलब दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 240 किलोमीटर से लगाकर 320 किलोमीटर ब्रॉड तक का है। कारण क्या होता है कि कहीं पर जो है इट मीन्स हमारा जो नॉर्थन प्लेन एरिया है कहीं पर कम विड्थ होता है और कहीं पर जो है ज़्यादा ब्रॉड होता है, जिस कारण से जो है अलग अलग तरीके से जो है 2240 किलोमीटर से लगाकर 320 किलोमीटर तक का विड्थ है और 2400 किलोमीटर जो है लंबा। तो नॉर्थन प्लेन एरिया के बारे में और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नॉर्थन प्लेन एरिया का फॉर्मेशन उसमें और सारी चीज़ें जो है हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है ना, ये सेकंड हमारा फॉर्मेशन से, पहला फॉर्मेशन हिमालय से, सेकंड फॉर्मेशन से हमारा नॉर्थन प्लेन चल रहा है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसको बुक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ना और मैप्स को जो है अच्छी तरीके से देखकर समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।